भारत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी आर्थिक राजधानी मुंबई अब न्यूयॉर्क की स्थिति से दूर नहीं है। देश में कोरोना का लगभग हर दसवां मामला यहीं से आ रहा है और हर पांचवी मौत भी यहीं से हो रही है। मुंबई में शुक्रवार तक कुल 993 केस सामने आ चुके थे। यह महाराष्ट्र के कुल मामलों का तकरीबन 64% और देश का 13% है। शुक्रवार को मुंबई में 212 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 10 मौतें हुई हैं और शनिवार को यह बढ़कर 1,666 पर पहुंच गए हैं। इस महानगर में कोरोना से अब तक 64 से ज्यादा लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। यह राज्य की कुल मौतों का 55% और देश की कुल मौतों का 24% है। इस हिसाब से देखें तो मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ संक्रमितों की संख्या ने 1,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी की। न्यूयॉर्क में कोरोना के अब तक 1.6 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 7,067 लोगों की अब तक जाने जा चुकी है। न्यूयॉर्क में कोरोना से पहली मौत 11 मार्च को हुई थी। मुंबई में 11 मार्च को पहला केस आया था। कोरोना से न्यूयॉर्क में मृत्यु दर 4.4%, जबकि मुंबई में मृत्यु दर 6.15%। यानी दोनों शहरों में कोरोना का संक्रमण की रफ्तार की बात करें तो माना जा रहा है कि न्यूयॉर्क जैसी स्थिति में पहुंचने में मुंबई करीब 29 दिन ही पीछे है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से रोजाना 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। अगले 5 दिनों तक अगर यही हालात रहे तो मुंबई में न्यूयॉर्क जैसे हालात हो जाएंगे।